ध्यान दीजिए, आपको सिलेबस बता दिया गया है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जो आप लिखे हैं वहीं तक उसको आप लिख रहे, कल आपको लिखाया जाएगा, ठीक। आज टोटल एक तरफ समझा देते हैं, इसके बाद लिखाते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि आपको 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट का नाम बताया गया था। फर्स्ट बताया गया था रिप्रोडक्शन के बारे में, और ये कितने नंबर की यूनिट है? 14 नंबर, ठीक है ना। इसमें आपको बताया गया था नाम छोटा है लेकिन यह तुलनात्मक ढंग से आपको अध्ययन करना है, वह भी निम्न कोटि के पादपों और निम्न कोटि के जंतुओं से लेकर के निम्न उच्च कोटि के पादपों और उच्च कोटि के जंतुओं तक अध्ययन करना है। इसलिए शब्द उसके छोटे हैं लेकिन उसका टॉपिक बड़ा है, ठीक है ना। अब उसमें एक एक करके आपको समझाया जाएगा कैसे कैसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया निम्न कोटि के जंतुओं से लेकर के उच्च कोटि के जंतुओं में होता है और निम्न कोटि के पादपों से लेकर के उच्च कोटि के पादपों में होता है, ठीक। और दूसरी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकी और विकास, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और ज्यादा नंबर की है भी। कितने नंबर की है? 18 नंबर की। इसमें आप देख रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, अनुवांशिकी के बारे में, ये आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। वो पढ़े भी हैं, उनके तीनों नियम भी पढ़े हैं, और उनके जो नियमों के विचलन है यह भी आपको पढ़ना है कक्षा 12 में। कक्षा 10 तक सिर्फ नियम पढ़े हैं, लेकिन कक्षा 12 में आपको उनके नियमों का विचलन पढ़ना है, मतलब जो अपवाद है, जो उनके नियम का पालन नहीं करते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में भी आपको अध्ययन करना कक्षा 12 में। वह भी आरेख सहित वर्णन करना है, ठीक है ना। तो आरेख बना करके आपको समझाए जाएंगे कैसे कैसे कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वह उनके अपवाद के अंतर्गत कैसे आते हैं, उन्हीं को हम विचलन के नाम से जानते हैं, ठीक। और साथ साथ इवोल्यूशन बताया गया था, पहले वो सिलेबस से हटाया गया था लेकिन फिर उसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। उस इवोल्यूशन में ह्यूमन इवोल्यूशन भी है, मानव का उद्विकास भी है। देखते हैं मानव, जो आज आपका आधुनिक मानव दिखाई दे रहा है आंखों से, देखते हैं वह वैसे आसमान से नहीं टपका है, उसका भी एक सिस्टमेटिक क्रम है। सिस्टमेटिक क्रम उसका इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ है। उस उद्विकास में आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले मनुष्य का जो जन्म पृथ्वी पर हुआ था उसकी आकृति आकार पहले जो थी वह गज सूरज के रूप में थी। कैसी थी वह? गज सूरज के रूप में थी। गज सूरज की जो आकृति आकार होती थी वह छछुंदर की भांति होते थे, उसकी भांति होते थे, मतलब उसकी संरचना के समान होते थे, छछुंदर नहीं होते थे, ठीक है ना, जानते रहिएगा। इसके बाद जब उसमें इवोल्यूशन हुआ तो गज सूरज से लीमर का विकास हुआ, फिर उसमें जो है यह इवोल्यूशन हुआ लीमर से लोरिस का विकास हुआ, उसमें फिर इवोल्यूशन हुआ उसके बाद टॉर्सियस का विकास हुआ, फिर उसमें इवोल्यूशन हुआ फिर पुरानी दुनिया के बंदर आए, इसका कहते हैं फिर उसमें इवोल्यूशन हुआ फिर नई दुनिया के बंदर आए, फिर उसमें इवोल्यूशन हुआ तब जाकर के होमो इरेक्टस की तमाम जातियां आई, होमो की जातियां आई, देखते हैं उसी को हम आदि मानव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और आदि मानव के अंदर जब तमाम प्रकार की सभ्यताओं का विकास हो गया, आप कक्षा 10 में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े होंगे, ठीक है ना, जब धीरे धीरे विकास हो गया तब देखते हैं वहां से आदि मानव से आधुनिक मानव का विकास होना शुरू हो गया। और आज का जो आधुनिक मानव है उसका उसके मस्तिष्क का जो आयतन है वह आदि मानव की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है, इसलिए उसमें सोचने समझने मूल्यांकन करने की क्षमता ज्यादा है, ठीक है ना। इनका जो सिस्टमेटिक क्रम है वह भी आपको उस सिलेबस में पढ़ाया जाएगा सिस्टमेटिक क्रम में। तो ये आपकी 2 यूनिट हो गई, एक 14 नंबर की यूनिट है पहले रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपको बता दिया गया 18 नंबर यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है ना। और तीसरी यूनिट क्या है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। ये कितने नंबर की यूनिट है? 14 नंबर की। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है, सूक्ष्म जीवों में जैसे जीवाणु हो गए, कुछ ऐसे जीवाणुओं के बारे में आप पढ़ेंगे जो मानव के लिए क्या है, लाभदायक है, हानिकारक भी उसके अंदर आते हैं, हानिकारक आपको अलग पढ़ना है, लाभदायक अलग पढ़ना है, ठीक है ना।
इसके बाद देखते हैं तमाम जीवाणुओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव आते हैं कवकों के केस में भी होते हैं, जैसे ईस्ट का नाम सुने, ईस्ट का नाम सुने हैं, उसके अंतर्गत आने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बताएगा था। इसकी सहायता से पावरोटी का, बिस्किट का, टोस्ट का, ठिकाना केक का, बिस्किट का, इन सभी का निर्माण होता है। देखते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपकी तीसरी यूनिट हो गई, और चौथी यूनिट जो आपको दी गई है वह सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में दी गई है, सबसे छोटी यूनिट है, उसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और उसके अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है ना। देखते हैं यह इंटर के सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया है, छोटा सा, वो भी दो चैप्टर्स हैं, उस दो चैप्टर में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं इंट्रोडक्शन के रूप में, लेकिन जैसे ही आप इंटर पास करके आप हायर क्लास में पहुंचते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें बायोटेक से बीएससी होता है, ठीक है ना। देखते हैं तब उसमें आपको डिटेल उसके सिलेबस के बारे में पढ़ना है, और वह अभी हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मॉडर्न युग चल रहा है इसमें बायोटेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह यूनिट सिर्फ 10 नंबर की है, इस यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है उसका नाम क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, देखते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण, देखते हैं यह ऐसे यूनिट है जो कि लगभग हर कॉम्पिटेटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर्यावरण से संबंधित लगभग हर कॉम्पिटेटिव परीक्षा से क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत, यहां जानना आपको अति आवश्यक है। इसमें पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी के पोषक स्तर कौन कौन से हैं, उन पोषक स्तरों में आपको उपभोक्ता अलग बताए जाएंगे, सॉरी उत्पादक पहले बताए जाएंगे, इसके बाद उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता बताए जाएंगे, लास्ट में अपघटक बताए जाएंगे। और बाकी पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, या पिछला जो इतिहास है उसको उठाकर देखेंगे, तमाम प्रकार के जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसमें तमाम देशों की जो सहमति जताई गई है कि जिसके आधार पर हम पर्यावरण को जो है संतुलित रख सकते हैं, उसमें पॉल्यूशन नहीं होने देते हैं, ये सब जो सिस्टम्स हैं यह भी आपको इसी यूनिट में बताया जाए। जिस प्रकार से आपको यह पांच यूनिट पढ़नी है, उस यूनिट में पहली यूनिट आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन जनन, ठीक। उस जनन में पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, जीवों में जनन, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसमें आपको बताया भी गया था इंट्रोडक्शन के रूप में, देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने जीवधारी होते हैं सबका बताया गया था एक निश्चित जीवन काल होता है, वह निश्चित जीवन काल के तहत देखते हैं उसकी लाइफ साइकिल चलती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब जितने भी जीवधारी हैं वह नश्वर है, नश्वर मतलब नाशवान है, वह निश्चित समय तक पृथ्वी पर रहेंगे, इसके बाद उनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये जो जीवन काल पढ़ेंगे, इस जीवन काल की विभिन्न प्रवस्थाएं भी होती हैं, उसमें आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके बताया जाएगा कि ह्यूमन का जो जीवन काल है इसके जीवन की जो विभिन्न प्रवस्थाएं हैं उसमें आपको बताया गया था गर्भावस्था के बारे में। पहला, जब तक कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब तक उसको हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था। और इसका कहते हैं जब उस चाइल्ड का बर्थ होता है, देखते हैं जब पृथ्वी पर आता है तो देखते हैं जन्म से लेकर के 5 साल तक कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है। और इसके बाद देखते हैं छठवें से लेकर के 12वें तक कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। फिर 13वें से लेकर के 18वें तक कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। फिर 19वें से लेकर के फिर देखते हैं लगभग 40वें साल तक युवा अवस्था होती है। 40वें और 60वें के बीच में कौन सी होती है, वयस्क अवस्था होती है। और इसका कहते हैं 60 से प्लस वाले में वृद्धावस्था, ठीक है ना। यह इतनी अवस्थाओं के फलस्वरूप देते हैं किसी भी मनुष्य का जीवन काल चलता है, और इसी जीवन काल में किशोरावस्था से लेकर के वयस्क अवस्था के बीच में वह जनन के द्वारा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करके अपने जाति के अस्तित्व को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ देखते हैं जितने भी जीवधारी हैं उनके जीवन काल भी अलग अलग हैं। जैसे चींटी से लेकर के हाथी तक
तमाम प्रकार के जंतु हैं, या पादपों के फील्ड में, निम्न कोटि के पादपों से लेकर के उच्च कोटि के पादपों में सबके जीवन काल का जो ड्यूरेशन है वह अलग अलग होता है, ठीक है ना। और इसी के आधार पर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा आपको बताई गई है। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले यह जो आप पढ़ चुके हैं, यह क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद देते हैं रिप्रोडक्शन की परिभाषा आप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बताया गया था जनन, जनन जीवधारियों का वह प्रमुख लक्षण होता है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करके अपने जाति के अस्तित्व को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और देखते हैं जनन, जितने भी जीवधारी हैं सब में जो जनन की प्रक्रियाएं होती हैं और जितने प्रकार से होती हैं उसमें कुछ मूलभूत समानताएं भी पाई जाती हैं। वह मूलभूत समानता क्या होती है, पहला तो क्या बताया गया था, देखते हैं आरएनए जो होता है, प्रोटीन जो संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी जीवधारियों में होती हैं, चाहे वह निम्न कोटि का जीवधारी हो चाहे वह उच्च कोटि का जीवधारी हो। दूसरा क्या मूलभूत समानता बताई गई, उसमें जो डीएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है, पुराने डीएनए से नए डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया होती है, वह सभी जीवधारियों के इसमें होती है। देखते हैं जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित जो गुणसूत्र होता है वह बना किसका होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत डीएनए और आरएनए आते हैं और प्रोटीन में हिस्टोन और नाइट्रोजन। यही जो डीएनए और आरएनए होते हैं उस डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है तो पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है, और जब पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होगा तब पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण, ठीक है ना। इसका कहते हैं जो तीसरी मूलभूत समानता है वह क्या है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चाहे वह निम्न कोटि का जंतु हो चाहे वह उच्च कोटि का जंतु। निम्न कोटि के जंतुओं में क्या होता है, जैसे एक कोश की जंतु है तो एक कोश की जंतुओं की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती तो कोशिका सेपरेट होकर के नए जीवधारी का निर्माण कर लेती है। लेकिन जो उच्च कोटि के जंतु होते हैं उसमें कोशिका विभाजन के फलस्वरूप लेते हैं जो कोशिका मिलकर के ऊतक और ऊतक मिलकर के अंग और अंग मिलकर के अंगतंत्र का निर्माण किए हुए हैं उसके आधार पर देते हैं कोशिकाओं का जब डिवीजन होता है तब इसके बाद किसी जीवधारी का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये सब मूलभूत समानताएं हैं। इसके साथ साथ फिर अगला मूलभूत समानता क्या है, कोशिका में वृद्धि। वह भी आपको पता है जब पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है तब उसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाता है, तब जाकर के उस जीवधारी के अंदर मैच्यूरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब दिन तक उसमें भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होना शुरू होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगली मूलभूत समानता क्या है, क्या चीज, जनन इकाइयों का निर्माण। यह आपको उच्च कोटि के जंतु में बताया गया था। इसमें बताया गया था देखते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो। तो मेल की जो जननी कोशिकाएं होती है या फीमेल की जो जननी कोशिकाएं होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मानव के केस में, मेल के केस में टेस्टिस जो होता है उसका जनन अंग होता है, उस जनन अंग में या टेस्टिस में जो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है वह उसकी जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन के फलस्वरूप होता है। जो शुक्राणु होता है वह गैमीट होता है, युग्मक होता है, और बाकी फीमेल के अंडाशय में जो अंड जनन के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है वह क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का केंद्र संयुक्त होता है तब देखते हैं युग्मनज का निर्माण होता है, और जब युग्मनज का डेवलपमेंट होता है तब भ्रूण बनता है और उस भ्रूण से देखते हैं नए जीवधारी का निर्माण होता है, ठीक। ये सब देखते हैं जो मूलभूत समानताएं हैं इस प्रकार से है। अब इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पर आते हैं, जनन के उद्देश्य के बारे में, क्या पर्पज होता है रिप्रोडक्शन का। तो आप ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के उद्देश्य। जितने जीवधारी हैं सब में जो जनन की प्रक्रियाएं होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला तो आपको परिभाषा में ही कंफर्म बता दिया गया था, देखते हैं, जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवधारियों में क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहला उद्देश्य हो गया कि जनन के द्वारा जातियों में निरंतरता क्या होती है? बनी रहती है। ठीक, दूसरा क्या बताया गया था उद्देश्य? जातियों में वृद्धि के लिए, मतलब जब जनन की प्रक्रिया होगी, नई संतानें उत्पन्न होंगी, तब उन जातियों की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य क्या है? समष्टि का संगठन, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, जो आबादी जिसको आप कहते हैं। देखते हैं जब जातियों की संख्या बढ़ेगी तभी पॉपुलेशन का निर्माण होगा। पॉपुलेशन होता क्या है? देखते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में या किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही समय में या एकांक समय में पाए जाने वाले एक ही जातियों के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं, उसी को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी, हम गांव का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी गांव में जो मनुष्यों की संख्या है वो उसकी आबादी होती है। अगर आप उससे पूछते हैं कि आपके गांव की आबादी कितनी है, उसमें पर्टिकुलर मनुष्य के बारे में पूछा जा रहा है, न कि उसमें गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो वैसे किसी एक निश्चित क्षेत्र में या निश्चित इकाई में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जातियों के सदस्यों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं या समष्टि कहते हैं, ठीक है ना? और वो समष्टि का संगठन कब होगा? जब जीवधारियों में जनन होगा, ठीक है ना? तो ये भी उद्देश्य हो गया उसका। अगला उद्देश्य क्या है? विभिन्नताएं, यह भी आपको पता है। देखते हैं जब जीवधारियों में जनन की प्रक्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप संतानें उत्पन्न होती हैं। जैसे एक दंपति है, एक दंपति की कई संतानें हैं, तो सभी संतानें एक जैसी नहीं होती, वह आकृति, आकार, संरचना, कैरेक्टर, बिहेवियर, मेंटल एबिलिटी सब में किसी न किसी प्रकार से वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसी को हम विभिन्नता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न एक से अधिक संतानें वह आपस में एक दूसरे से भिन्न होती है। जो भिन्न होती है वह विभिन्नता की वजह होती है, ठीक। और इसके बाद अगला उद्देश्य क्या बताया गया था? पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। उसमें क्या होता है? अगर जीवधारियों में जनन नहीं होता तो देखते हैं पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती नहीं बनी रहती। धीरे धीरे अगर यह जनन की प्रक्रिया नहीं होती तो जातियों का अस्तित्व धीरे पृथ्वी से समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन जब तक जनन होता रहेगा जीवधारियों में तब तक उसके जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहेगा। तो इतने उद्देश्य हो गए जनन के। इसलिए जनन जीवधारियों के लिए अति आवश्यक होता है, जिसकी वजह से उनके जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर आसानी से बना रहे, ठीक। तो इस प्रकार से यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जनन की परिभाषा हो गई, इसका जनन के उद्देश्य। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार बताए गए जीवधारियों में? दो प्रकार से। कौन कौन से हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपको बताया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसका हम तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करते हैं तो एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो आपको बताए गए। तो जीवधारियों में जनन की प्रक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। पहला अलैंगिक जनन, जिसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन, जिसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है।
इसमें पहला आप देख रहे हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो प्रायः निम्न कोटि के जंतुओं और निम्न कोटि के पादपों में होती है, ठीक, प्रायः ऐसी कंडीशन होती है। और इसके बाद में है जो उच्च कोटि के जंतु और उच्च कोटि के पादप होते हैं उसमें प्रायः क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला तुलनात्मक अध्ययन आप यही कर लिए हैं कि जो निम्न कोटि के जंतु और पादप होते हैं उसमें प्रायः अलैंगिक जनन होता है और जो उच्च कोटि के जंतु और पादप होते हैं उसमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। अब परिस्थितियों के अनुसार देख लीजिए कि जो यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, देखते हैं यह अनुकूल परिस्थितियों में होती है। किस परिस्थिति में होती है? अनुकूल परिस्थिति में। अनुकूल मतलब जब लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर ये सभी समान होता है तो ऐसे कंडीशन में यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है इसमें लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर का बहुत इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, ठीक है ना। जबकि प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में होती है लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो सकती है, ठीक। और दूसरा अंतर क्या बताया गया था, कहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पर्टिकुलर एक जनक की आवश्यकता होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। पहला जो जनक होता है वह मेल है और दूसरा जो जनक है वह क्या है, फीमेल है। तो कहने का तात्पर्य यह है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दोनों बाउंड नहीं होता कि मेल और फीमेल दोनों रहेंगे तभी जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी अन्यथा नहीं होगी। इसमें एक जनक रहेगा तभी उसमें देते हैं जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन होगी कैसे वह अगले स्टेप में देख लेते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसकी कायिक या दैहिक कोशिकाओं में कौन सा डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो जनक आपको मेल और फीमेल का अलग अलग बताए गए थे, देखते हैं इनकी जननी कोशिकाओं में हमेशा क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा, वो भी कितने चरणों में होगा, दो चरणों में, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड, ठीक है ना। अब इन दोनों के बारे में समझ लीजिए, मियासिस और माइटोसिस के बारे में। तो मियासिस बताया गया वह रिप्रोडक्टिव सेल में संपन्न होती है, वह भी दो चरणों में संपन्न होती है, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकेंड। जो मियासिस फर्स्ट होता है उसकी चार प्रवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं, चार, मतलब कहने का तात्पर्य चार प्रवस्था में संपन्न होती है। उसमें जो पहली प्रवस्था होती है उसका नाम क्या है, प्रोफेज, जिसको आप पूर्वावस्था कहते हैं। दूसरा है मेटाफेज जिसको आप मध्यावस्था कहते हैं। तीसरा है एनाफेज जिसको आप पश्चावस्था कहते हैं और लास्ट टीलोफेज जिसको आप अंत्यावस्था कहते हैं। ये चार प्रवस्थाओं के फलस्वरूप मियासिस फर्स्ट की प्रक्रिया संपन्न होती है, लेकिन इन चारों में से जो पहला बताया गया प्रोफेज फर्स्ट के बारे में इसमें पांच उपप्रवस्थाएं होती हैं, काफी लंबा होता है। जो पांच उपप्रवस्था होती है उसमें बताया गया था पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचिटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा है डाइगेनेसिस। ये पांच उपप्रवस्थाओं के फलस्वरूप प्रोफेज फर्स्ट की प्रक्रिया संपन्न होती है और उस पांचों उपप्रवस्था का नाम सिस्टमैटिक क्रम होता है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। वह लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस, ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं फिर मध्यावस्था आती है, मतलब मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, इसके बाद फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। यह पहले विभाजन के फलस्वरूप जो एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिका बनी उसमें गुणसूत्र मातृ कोशिका के बराबर होंगे क्योंकि अपूर्ण कंडीशन है यार। लेकिन जब दूसरा डिवीजन होगा मियासिस सेकेंड, तब उसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, उसके फलस्वरूप देते हैं लास्ट में एक मातृ कोशिका से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा और चारों संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होगी। अगर वह मातृ कोशिका 2n कंडीशन में है, ऑलरेडी होती भी है, और लेकिन उसकी जो संतति कोशिकाएं होती हैं वह n होती है, मतलब अगुणित होती है ना। इस प्रकार से
यह मियोसिस हो गया, और यह हमेशा किसमें संपन्न होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, मियोसिस डिवीजन। ठीक, और अभी किस रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसमें बताया गया कायिक या दैहिक कोशिकाओं में। काया मीन्स क्या होता है, शरीर। जो शरीर की भौतिक कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही होती हैं, इन कोशिकाओं में जो डिवीजन की प्रक्रिया होती है वह माइटोसिस होता है, और माइटोसिस जो प्रक्रिया होती है वह अभी चार प्रवस्था में संपन्न होता है। कितनी प्रवस्था में, चार प्रवस्था में, लेकिन चरण एक ही होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। मियासिस में दो चरण होते थे, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकेंड। इसमें अलग अलग नहीं होता, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकेंड, इसमें सिर्फ एक चरण होता है, और उसमें पांच जो है प्रवस्था होती है, चार प्रवस्था होती है, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मतलब पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, और इन चार प्रवस्था के फलस्वरूप एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, और दोनों संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। 2n मातृ कोशिका में होती है और 2n संतति कोशिका में होती है, ठीक है ना। इसलिए संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। यह हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस, वह भी सोमैटिक सेल्स में, कायिक कोशिका या दैहिक कोशिका में। और बाकी दूसरा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया, यह जनकों की जो जननी कोशिका होती है उसमें मियोसिस, वह भी दो चरणों में, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ठीक, इसके बाद लेते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें गैमीट का निर्माण नहीं होता है, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं बनते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण, ठीक है ना। इस प्रकार से एक अंतर यह हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं बनेंगे तो दोनों का संलयन नहीं होगा, जब संलयन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बन रहे हैं, दोनों के केंद्र जब आपस में संयुक्त होंगे या संलयन होगा तो देखते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक, और यह भी बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं। तो आप कह सकते हैं युग्मनज का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, और इसके बाद का जो स्टेप है, जो युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, जब इसमें युग्मनज बना ही नहीं है तो भ्रूण का विकास होगा नहीं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भ्रूण का विकास नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भ्रूण का विकास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हो गया। अब इसके बाद देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, मतलब पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। होता कैसे है, उसमें जो स्टेज होती है, जैसे हम प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लांट में आप दो स्टेज पढ़े होंगे, स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज, इसको आप शॉर्ट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कहते हैं। युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दो प्रवस्थाएं होती है। जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसका ड्यूरेशन कम होता है, और बाकी जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है देखते हैं इसमें इसका जो ड्यूरेशन होता है युग्मकोद्भिद की अपेक्षा ज्यादा होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, जो ग्रो करेगा मान लीजिए उसको सीड के तहत आप ग्रो करा रहे हैं, कोई सीड हो उसको आप मिट्टी के तले दबा दीजिए, उसको नमी देते रहिए, इसके कहते हैं जब वो अंकुरित होकर उस बीज से नए पादप का निर्माण होता है, वह तब से लेकर के जब तक वह पादप मैच्योर अवस्था में न आ जाए और उसमें पुष्प का विकास जब तक न हो तब तक वो क्या है, बीजाणुभिद है। और जैसे उसमें पुष्प का विकास होना शुरू हो जाए और उस पुष्प में मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए तब वह युग्मकोद्भिद अवस्था है।
जब तक युग्मक उसमें है या युग्मकों का निर्माण हो रहा है तब तक वो गैमेटोफाइट स्टेज है। और इसका कहते हैं जब युग्मक दोनों एक दूसरे से संयुक्त होकर के युग्मनज का निर्माण कर ले, जब युग्मनज का निर्माण हो जाएगा तो कहते हैं दोनों युग्मक मिलकर के जो युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं वहीं से स्पोरोफाइट फिर शुरू हो जाता है और तब तक रहता है जब तक बीज का निर्माण नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है, अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, फिर बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है, इसका कहते हैं बीज बन गया, बीज का अंकुरण हो गया, पौधा मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक क्या है स्पोरोफाइट स्टेज है, बीजाणुधित अवस्था है। और सिर्फ जब पुष्प आएगा तब युग्मकोधित अवस्था है, मतलब पूरे पौधे के जीवन काल में जब तक पुष्प है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक युग्मकोधित अवस्था है, और जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया वहीं से बीजाणुधित अवस्था शुरू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक फल और बीज का निर्माण नहीं हो जाता है या बीज के अंकुरण के फलस्वरूप पौधा बड़ा होकर के मैच्योर होकर के जब तक उसमें पुष्प नहीं आ जाता है तब तक वह बीजाणुधित अवस्था है, बस नहीं। और जब तक पुष्प रहेगा सिर्फ उसमें पुष्प में नर जननांग मादा जननांग रहेंगे तब तक वह क्या है युग्मकोधित अवस्था। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट समझ में आया, सिर्फ पुष्प में युग्मक रहेंगे तब तक गैमेटोफाइट है और बाकी बची हुई टोटल अवस्था क्या है स्पोरोफाइट, ठीक है ना। इसी युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद दोनों अवस्थाओं के एकांतर क्रम में आने की प्रक्रिया, मतलब एक के बाद एक क्रम के आने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पीढ़ी एकांतरण होता है लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता, ठीक है ना। इस प्रकार से यह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुलनात्मक अध्ययन। अब इसके बाद आपको ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी अलग विधियां बताई जाएंगी, यह 9 प्रकार से होता है जीवधारी में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है? 9 प्रकार से होता है। वह 9 प्रकार अलग अलग एग्जांपल लेकर के आपको समझाया जाएगा, विथ एग्जांपल्स आपको बताया जाएंगे इसमें कौन से प्रकार के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, इसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसी के साथ चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट।